राजस्थान प्रदेश में काफ़ी वर्षों से एक बार कांग्रेस का राज आता है, एक बार भाजपा का राज आता है, लेकिन प्रदेश का विकास काफ़ी अवरुद्ध है। प्रदेश की सड़कें टूटी हुई है। इस विषय को लेकर भारतीय युवा शक्ति पार्टी आगे आई है। अपना तीसरे मोर्चे की स्थापना के साथ ही इस पार्टी ने निश्चय किया कि प्रदेश की समस्याओं का समाधान करेगी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठालाल जैन इस विषय को लेकर। पिछले कई वर्षों से राजस्थान प्रदेश का सिलसिला चल रहा कि 5 वर्ष कांग्रेस और 5 वर्ष भाजपा, लेकिन प्रदेश को विकास की जो राह पकड़नी चाहिए उस राह पर अब तक कोई पार्टी ले जाने में सफल साबित नहीं हुई। इस विषय को इस नज़र से भी देखा जा सकता है कि प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से तीसरे विकल्प के अभाव में जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। प्रदेश में विकास के नए आयाम देने, बेरोजगारी की समाप्ति के लिए, प्रदेश के युवाओं को सक्षम बनाने के साथ ही महिला सम्मान और जागरूक करने के लिए पूर्व सांसद मिठालाल जैन ने भारतीय युवा शक्ति पार्टी के रूप में तीसरे मोर्चे को प्रदेश में स्थापित किया और इसी तीसरे मोर्चे की ताकत के माध्यम से श्री जैन प्रदेश की आगामी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। क्या कहते हैं श्री जैन भारतीय युवा शक्ति पार्टी की विचारधारा को लेकर? जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद में फिर रात तक तो मैं कांग्रेस में था, लेकिन कांग्रेस का जब मैंने दिल्ली में सब ढांचा देखा तो हमको लगा कि नहीं, ये कांग्रेस अपने को छोड़ देना चाहिए। जबकि मैंने 40 साल में कांग्रेस में रहा हूँ और ये विचार आने के बाद मैंने कांग्रेस छोड़ दी। और कांग्रेस छोड़ने के बाद में मैं तो मेरे घर में आराम से बैठा था, क्योंकि मेरी एज भी अभी इस समय 82 एज चल रही है मेरी, तो एज के हिसाब से हमने जितना सरपंच भी हम बन गए, जिला प्रमुख भी हम बन गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हम बन गए। अभी अपने आप लोग आगे, क्योंकि अपनी एज हो चुकी है और जितने भी हमारे घर के भी लोग भी थे उन्होंने भी ये कहा कि आप अभी इतनी एज हो चुकी है तो अभी ये सब ये छोड़ दो, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इस हिसाब से मैं तो आराम कर रहा था, लेकिन जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, अन्ना हजारे का तो आंदोलन में मैंने देखा कि वो इतने साल, वो भी 76 वर्ष का है, जब वो इतना ये कर सकता है तो मुझे भी घर में बैठ के मान ली आराम करने का कोई राइट नहीं है। इसलिए मैंने वो विचार से मैं मान ली को वापस गांव राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट में आया और पाली डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद में गाँव का दौरा किया। गाँव का दौरा करने के बाद में जहाँ जहाँ गाँव में मैं गया वहाँ गाँव में सब लोगों की यही डिमांड आई है और यही आवाज़ आई कि कांग्रेस और बीजेपी से तो हम बहुत दुखी हो गए। इतने साल कि कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है और काम हमारा कुछ भी नहीं होता है। दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आज रास्ते की हालत इतनी मालिक ख़राब हो गई है कि जहाँ मालिक कोई भी डिलीवरी जिस लेडीज़ को अगर डिलीवरी करवाना हो, करवाने के लिए हमको ले जाना पड़े तो वो रास्ते में डिलीवरी हो जाए उतर मालिक खड्डे की वजह से, ऐसी रास्ते की हालत है। न तो रास्ते का मरम्मत बना रहे और न ही मालिक के हॉस्पिटल का भी कोई सुविधा है। इसलिए और स्कूलों की भी तो हालत बहुत ही ख़राब है। स्कूलों में जब टीचर जाते हैं वहाँ पर और खाली बच्चों को थोड़ा खाना पूर्ति करते हैं, बाकी आराम करते हैं और मौज करते हैं टीचर, तो ये इसीलिए आज जितने भी माले स्कूल जो है आज लोग प्राइवेट स्कूल माले के ज़्यादा पसंद करते हैं और प्राइवेट एजुकेशन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, सरकारी स्कूलों में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि कोई तरह की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से आज बिजली भी है तो जैसा अभी वसुंधरा राजा ने तो वायदा दिया था, ये प्रॉमिस किए थे लोगों के सामने तो और कि भी हम 24 घंटा बिजली देंगे, लेकिन आज बिजली की क्या हालत है किसानों का, ऐसी हालत है किसानों की बिजली की कि वो 2-3 घंटा बिजली देते हैं एक दिन में, 3 घंटा में जब बिजली देते देते जब पानी आता है तो पानी जब छोड़ता और बिजली पानी बिजली जब आती है तो पानी शुरू करते हैं और जैसे ही पानी शुरू किया वापस बिजली कुल हो जाती है, तो इसलिए किसानों को तो बहुत दुखी है। सब साधन होते हुए भी वो किसान कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए बिजली ये सरकार मान ली कुछ भी न तो बीजेपी कुछ भी ऐसे कर रही है इस समय, न कोई कांग्रेस ने भी इस तरह से किया है।
भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार माले के हर चीज़ में आज कोई भी एक व्यक्ति माले कोई भी जगह बात करने का अपॉइंटमेंट मिलने का भी माले पैसा देना पड़ेगा, इस तरह का भ्रष्टाचार है। तो अब ऐसी हालत में हमने जब गाँव का दौरा किया तो सब लोगों ने ये कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी से काफ़ी दुखी हो गए हैं, अभी आप थर्ड विकल्प दे सकते हो तो हमें दे दीजिए ताकि हम आपके साथ दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कम से कम 2000 गांवों का दौरा किया, 2000 गांवों का ये सबकी आवाज़ आई और विशेष करके सब युवा लोगों की आवाज़ आई कि हम युवा लोग चाहते हैं कि भी हमको थर्ड मोर्चा में मिले, थर्ड विकल्प मिले ताकि हम कांग्रेस और बीजेपी से प्रिंट छुड़ा सकते हैं। तो फिर हमने ये सब गांव का दौरा करने के बाद हमने निर्णय लिया कि ये थर्ड मोर्चा बनाना बहुत जरूरी है, पार्टी अपनी बनानी बहुत जरूरी है। तो हमने ये निर्णय की वजह से ये पार्टी बनाई है। अब ये पार्टी बनाने के बाद में हमने जगह 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 पर दौरा किया वापस, और जो भी विधानसभा हमने ली वहाँ भी यही हालत है कि सब लोग वहाँ ये कहने लगे कि हम तो कांग्रेस और बीजेपी से नहीं चाहते हैं, आप माले की आपकी पार्टी को हम चाहेंगे। तीसरे से ये माले उनका कहना है। जब अब जो जिस गांव की जो स्थिति है, हालांकि 200 जो सीटें हैं पूरे राजस्थान में विधानसभा की, 200 विधानसभा की सीटों तक मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो नया नया हूँ अभी, लेकिन हमने 60 विधानसभा हाथ में ली है। तो 60 विधानसभा में सब ये तो चाहते हैं कि लोग परिवर्तन आवे, तो मैं ये जो गवर्नमेंट जो है ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट थम्पिंग मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनी, लेकिन वो सब झूठे वायदे दे के बनी। उन्होंने बिजली का भी वायदा दिया, उन्होंने युवकों को रोज़गार देने का भी वायदा किया, न तो युवकों को रोज़गार, 1.5 लाख लोगों को युवकों को रोज़गार देने का भी वायदा किया था, लेकिन ये कोई मालिक युवकों को रोज़गार नहीं मिला। बिजली भी आज नहीं मिल रही है, पानी की हालत तो इतनी विकट पानी की समस्या है कि आज पीने के लिए पानी महिला को 4-4, 5-5 किलोमीटर से दूर से पानी लाना पड़ता है, और वो भी पानी खड्डे में से पानी लाएंगे, उनको न तो कोई नल की व्यवस्था है न कोई पानी की व्यवस्था है, और खड्डे में पानी लाके वो बेचारे पीते हैं। तो ऐसी गाँव की स्थिति है, शहरों की स्थिति ठीक है लेकिन गाँव की स्थिति बहुत खराब है। तो इस देश में जो है, राजस्थान प्रदेश में जो है, शहरों से ज़्यादा अब गाँव की संख्या ज़्यादा है। तो अब गाँव की स्थिति ऐसा होने से जो राजस्थान का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है। अब जो ये जो पार्टी जो जिस तरह से वादा किया था उस वादे के अनुसार कोई काम नहीं कर रही है। तो अब जो लोग ये चाहते हैं कि परिवर्तन आना चाहिए, तो इस सब माले के चाहत के हिसाब से ये पार्टी अपन बनाई है। अब वैचारिक रूप से आप जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और अब आप खुद के हिसाब से अपने हिसाब से पार्टी बना के चल रहे हैं, तो मुख्य रूप से इन दोनों पार्टियों में क्या विशेष देखते हैं, ऐसा कोई जिसके विरोध में आप अपनी पार्टी खड़ी करेंगे? अब जो कांग्रेस पार्टी का तो पूरा जग जाहिर है क्योंकि भ्रष्टाचार में तो लुप्त है, भ्रष्टाचार में कम नहीं है, कितने घोटाले किए हैं उन्होंने। अब बीजेपी है तो बीजेपी भी आज कोई भ्रष्टाचार से ये नहीं है, बीजेपी की हालत मालिक ऐसी है कि पैसा, बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है, बिना पैसे से कोई मिलना भी नहीं होता है, बिना पैसे से मालिक कोई किसी से बातचीत भी नहीं होती है, और अगर कोई काम लेके भी जावे तो उसको 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक बाहर बैठना पड़ता है। तो ऐसी हालत है, तो इस तरह से ये हालत है। प्रदेश में जो गायों की दुर्दशा हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? प्रदेश में जो गायों की दुर्दशा हुई है, एक्चुअल जो गाय के बारे में जो सरकार जो कह रही है कि हम गाय के इस तरह से संरक्षण करते हैं, हम इस तरह से माले ही करेंगे, लेकिन ये सब वो होता है, आज सड़कों पर गाय के झुंडके झुंड है और एक्सीडेंट से भी गाय की हत्या हो रही है और मर रही है, लेकिन कोई सरकार का दुनिया आज गौशाला में जाके देखें तो उस गौशाला का जो पहले सब्सिडी या जो भी पैसे देते थे वो भी हमें सरकार ने बंद कर दिया है। तो ये अब गाय की स्थिति की बहुत ही खराब है, न तो कोई मालिक, किसी को मालिक है उसका, न कोई है, उसकी स्थिति इतनी खराब है कि देखने जैसी नहीं है। प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे अपनी तरफ से? प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप अपना?
प्रदेश की जनता को मैं ये भी अब ये सब करते हुए अपने को परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, अपने कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ना ही पड़ेगा और छोड़ते हुए अपने को थर्ड विकल्प लाना ही पड़ेगा। अब उसमें थोड़ा टाइम भी समय भी लगे, लेकिन समय की परवाह न करते हुए अपने को थर्ड विकल्प में जाना पड़ेगा।